आज हम बनाए हैं ये कढ़ाई पनीर। देखने में देखिए लग रहा है ना बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्नेहा कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर का रेसिपी। तो उसके लिए ये हमने पनीर 200 ग्राम ले लिया है और इसे हमने कट कर लिया है। अब चलते हैं इसे पहले फ्राई कर लेते हैं। ये हमने पैन को गर्म करके इसमें हमने 2 स्पून ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम पनीर को पहले फ्राई कर लेंगे। अच्छे से तेल को हमने गर्म कर लिया है। पनीर को हम डाल लेते हैं। और इसे हल्का गोल्डन होने तक हम भून लेंगे। ये जब हमारा पनीर भून जाएगा तो इसमें हम इसे हम पानी में निकाल लेंगे। उससे हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो सॉफ्ट रहने के लिए हमें ये पनीर को पानी में ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये पनीर बाद में थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसी तरह से हम सारे पनीर को फ्राई कर लेते हैं। अब ये हम ले लेंगे एक कैप्सिकम, उसे भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसे हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे हम भून लेते हैं। हमने 2 मिनट कैप्सिकम को भून लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब ये इसमें हम डाल लेंगे ये तेल, वही जो तेल हमारा फ्राई हुआ है वो बचा हुआ है। इसमें हम डालेंगे 1/2 स्पून जीरा, 2 चुटकी हींग और 2 सूखा रेड चिल्ली और 2 तेज़पत्ता। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट है। इसमें हमने 3 ओनियन लिया था और 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक और 4 से 5 हमने हरी मिर्च लिया। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा कम कर लीजिएगा। और इसे हम कच्चा पंदूर होने तक भून लेते हैं। प्याज का कच्चा पंदूर हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे ये 3 हमने प्योरी बना लिया है टमाटर का, उसे हम ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इसे हम भून लेते हैं। इसे हमने 1 मिनट भून लिया है। अब हम गैस का फ्लेम कर लेंगे स्लो और इसमें हम डालेंगे मसाला। अगर तेज में डालेंगे तो ये बहुत छिटकता है, तो ध्यान से। ये हमने 1/2 स्पून हल्दी डाल लिया है और ये हमने 1/2 स्पून जीरा पाउडर डाल लिया है। 1 स्पून डाल लेंगे हम धनिया पाउडर, 1/4 काली मिर्च और 1 स्पून हम डालेंगे ये कश्मीरी रेड चिल्ली, 1 स्पून हम डालेंगे ये कढ़ाई मसाला और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। इसे चलाते हुए हम अच्छा से, जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ दे, जब तक हम इसे भून लेते हैं। इसे भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गया है। ये थोड़ा सा और भूनेगा तो ये हमारा मसाला अच्छे से भून जाएगा। ये देखिए मसाला पैन को छोड़ दिया है, तो ये हमारा मसाला भून गया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं ये जो हमने कैप्सिकम भून के रखा है, उसे ऐड कर लेंगे
और ये हमने प्याज के बल निकाल के रखे थे उसे हम ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से इसमें मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल लेंगे जो ये हमने पनीर को फ्राई करके डाला था उसका जो पानी है वो इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और जितना हमें ग्रेवी के अनुसार पानी डालना है और इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। एक उबाल आने तक इसे हम ढक देते हैं। ये हमारा एक उबाल आ गया है अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पनीर। और इसे मिक्स कर लेंगे और इसी टाइम हम डाल लेंगे ताज़ा कुटा हुआ गरम मसाला और इसे फिर से हम ढक्कन ढक कर रख देंगे और 5 मिनट पकने देंगे। ये देखिए सब्जी बनकर हमारा रेडी हो गया है। ये कितना अच्छा देखने में लग रहा है। चलिए इसे हम अब गैस को कर देते हैं ऑफ और इसमें हम डाल लेते हैं धनिया पत्ता और इसे हम मिक्स कर लेते हैं और सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर रेडी हो गया है। तो इस अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये देखिए हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब इसे हम धनिया के पत्ते से थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेते हैं। अब इस पे हम डाल लेंगे थोड़े से मलाई ये हमारा फ्रेश मलाई था दूध का। ये देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और हमारा रेसिपी अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।